टॉपर का जिक्र करूंगा, ना मैं किसी पास होने वाले स्टूडेंट का जिक्र करूंगा, ना मैं बहुत ज्यादा इस समय अभी खुशी मनाने वाला हूं, क्योंकि खुशी मनाना टॉपर और ये सब होगा बाद में। किसके कितने मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट ने पास किया, टॉपर कौन रहेगा, कितने स्कोर रहे हैं, कैसा रहा है, इसका जिक्र होगा बाद में। लेकिन मुझे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर कोई एग्जाम ना निकले तो क्या जिंदगी में हार मान लेना चाहिए? क्या एक ऐसा एग्जाम, अगर कोई एग्जाम नहीं निकला है तो क्या हम उसके दोबारा से नहीं उठेंगे? ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन बच्चों से मुझे बात करने के लिए मैं यहां पे आया हूं आप लोगों के साथ। सर मेरा नहीं हुआ है, सर नहीं हो पाया, ये रोने वाली चीजें क्यों डाल रहे हो इस कमेंट बॉक्स में? क्यों रो रहा है भाई तू, घर पे बैठ के क्यों परेशान हो रहा है, इस बात को मुझे बता। नहीं हो पाया, इससे ज्यादा दुख हमें भी है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर पैरों में दर्द हमारे भी हुआ था। लेकिन तेरे साथ कौन खड़ा है, तेरे दर्द में कौन खड़ा हुआ है, तो मुझे फटाफट पहले ये बता। इस समय पर तू खुद खड़ा हुआ है, कोई टीचर तेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं है, इस बात को समझ ले। तो फिर तू क्यों रो रहा है? और इस बात को ध्यान से सुन ले कि केवल तुझे ना लोग साहस देंगे कि तू खड़ा हो जा, ये हो जा, लेकिन खड़ा तो बेटा तुझे ही होना पड़ेगा मेरे लाल। और अभी रिजल्ट आने से एक घंटे पहले जो तू बड़े बड़े सपने सोच रहा था कि मैं वर्दी लूंगा, ये लूंगा, मेरा रिजल्ट आएगा, मैं मम्मी पापा को सुनाऊंगा, मैं जाके खबर दिखाऊंगा, और सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस समय इस मुसीबत और दुख की घड़ी में वो सारे माँ बाप आके आए और अपने बच्चों के पीठ पे थपथपाए और उनको बोले कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तेरी गलती नहीं है, तू रातों रात जागा है, तूने दिन रात मेहनत की है। मेरी उन माँ बाप से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो माँ बाप जरूर आगे आए, क्योंकि इस समय उन बच्चों को जरूरत है। क्यों नहीं, वो कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। और जिंदगी में कमियां किसी दूसरे के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ना है, वो कमियां हमारी ही रही होंगी, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात रही होंगी जो हमने गलतियां की हैं।